गुड इवनिंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के एमए सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर का आपका टाइटल है, वो है ड्रामा फ्रॉम शो टू स्टोपर्ड। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस है। और आपको मालूम, आप सभी को मालूम होगा कि ये आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपका, इसका पैटर्न क्या है। इसमें आपके बेसिकली वही 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी करके आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। तो ये क्वेश्चन तो आपका इसमें मैच नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो समझने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि जो न्यू सिलेबस है उसमें भी क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो सेम होगा। सिर्फ आपके पास जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, ना कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। तो आपका जो सेक्शन ए है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चंस करने हैं, और ये इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स है। हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कमेंट ऑन द रोल ऑफ मिसेस हिगिंस इन द प्ले पिग्मेलियन। बी है आपका, इज लुक बैक इन एंगर अ रियलिस्टिक प्ले। What is the theme of the play, Waiting for Godot? What is the message of the play, Rosencrantz and Guildenstern are dead? Write a note on the title of the play, Pygmalion. So ये out of 5 आपको only 3 questions ही attempt करने हैं। Section B है आपका short answer type questions। इसमें आपको any 4 questions करने हैं, और हर question कितने marks का है, 9 marks का है, और जो word limit है वो 225 words होगी। क्वेश्चन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इसमें डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्रॉब्लम प्ले, डिस्कस जॉन ऑसबॉर्न एज अ ड्रामेटिस्ट, राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ पोजो इन द प्ले वेटिंग फॉर गोडोट, विच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डज व्लादिमीर रिवील इन द प्ले वेटिंग फॉर गोडोट, व्हाट डू रोसेनक्रांत्ज़ एंड गिल्डेंस्टर्न सिम्बोलाइज। फिर है आपका एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये कुछ लाइन्स दी हुई है जिसको, जिसमें आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, साथ में आपको कमेंट भी ऐड करना है। इसके बाद ये आपका 8th जो ये सब क्वेश्चन है, इसमें भी एक रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको देना है। ये भी कुछ लाइन्स दी हुई हैं ड्रामा की। इसके बाद है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। ये आपके 15 मार्क्स का है। इसमें आपको एनी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, और इसकी वर्ड लिमिट क्या रखी गई है, 475 वर्ड्स। सो आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ एलिजा डूलिटिल, डिस्कस वेटिंग फॉर गोडोट एज अ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। नेक्स्ट है आपका रोसेनक्रांत्ज़ एंड गिल्डेंस्टर्न आर डेड इज अ ट्रेजेडी और समथिंग एल्स क्रिटिकली एनालाइज। और ये आपका ये जो लास्ट है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जिमी पॉटर। सो ये रहा आपका जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।